सो हाय गाइस, कैसे आप लोग? तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस, दो दिन में ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया, इसका रीज़न भी बताता हूँ। रीज़न, बहुत जन मुझे डीएम कर रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे, चल रहा था कि यार सर आप ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे, दो दिन से हो गया, दो दिन हो गया, एक दिन, क्योंकि किसी ने मैसेज देखा नहीं होगा। यूट्यूब पर अपलोड किया था गाइस, तो कम्युनिटी टैब में, तो किसी ने देखा नहीं होगा, रैंडमली लोग मुझे मैसेज कर रहे थे। वह अच्छी बात है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। सेकंड रीज़न ये है कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया, इसका रीज़न ये है कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। आपको पता ही है, मैंने पहले भी दो तीन ब्लॉग में बोला था कि मम्मी गिर गई थी, राइट? तो मम्मी का जो हाथ है गाइस, जो फ्रैक्चर हो चुका है, तो इसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। एंड सेकंड क्या बोले, सेकंड मन भी नहीं लग रहा था कहीं जाने का वगैरह, और ब्लॉग करने का भी, क्योंकि यार जब फैमिली में ऐसा होता है तो फिर बाहर जाने का मतलब ब्लॉग करने का मन कैसा होगा, राइट? वो वाला सीन हो गया। तो उसके बाद भी टैटू पे भी मन नहीं था, बहुत सारे अपॉइंटमेंट थे, कभी कभी टैटू किए, कहीं टैटू मैंने पेंटिंग भी रखे, इसलिए मैं आज इसलिए स्लो बोल रहा हूँ, इसका रीज़न भी बता था। मम्मी वहाँ पे सोई है और भांजा भी सोया है वहाँ पे, तो वो मैं आवाज चिल्लाऊंगा एंड देन वो उठ जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगता मेरे को भी। सो बेटर देन कि फटाफट मैं दिखा देता हूँ कि मम्मी का फ्रैक्चर कहाँ हुआ है, एंड देन मम्मी का हाथ दे देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक बाढ़ सोया, तो कुछ बोल नहीं सकता था, मैं समझ जाऊँ, फिर मैं नहा लेता हूँ गाइस। तो ये से पहले यहाँ पे मैं बता रहा था, ये सारे स्पॉन्सर्स हैं मेरे, मुझे लूट लो बॉस एक ब्रांड है, और उन्होंने मुझे ये सारे कपड़े भेजे, तो वो तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, बहुत सारे फोटोज आएंगे, तो उसमें आउटफिट जो मेंशन करूँगा मैं, तो देख लेना। अभी घर में गाइस बहुत सारा चेंजेस हो चुका है, क्योंकि घर में ना गाइस कैसा होता है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे ना मच्छर बहुत आते हैं, तो इसकी वजह से पापा ने और मम्मी ने ये पूरा प्लान किया है कि जाली लगाने का। ये देखो यहाँ पे भी, तो यहाँ से मच्छर भी आना मुश्किल है, अभी यहाँ पे भी लग चुके हैं, यहाँ पे भी लग चुके हैं, ये बाकी इतना ज़्यादा बाकी है, मतलब कहीं ना कहीं तो लग जाएगा। खाना बन चुका है हमारे यहाँ पे, मोस्टली गाइस वीकली ना 4-5 बार तो चिकन बन जाता है, फिश बन जाता है, तो हम लोग क्या कोकनी लोग हैं, तो ज्यादा खाना नॉनवेज ही खाते हैं। ओके सो गाइस, जस्ट फ्रेश हो चुका हूं एंड देन अभी कुछ नहीं। भैया ये बताओ मुझे, ये कहाँ लगेगा? सो गाइस भैया ने सब कुछ कर दिया, थैंक यू। यहाँ पे हाथ मिलाओ, फटाफट कपड़े पहनता हूँ, मस्त पिक की हेयर ड्राई करता हूँ एंड दान मिलता हूँ। सो गाइस आनंद आ चुका है, व्हाट्सअप खाना नहीं खाएगा? नहीं सर, खाना खा के आया हूं। ओके, ये किसके लिए खाना? पापा के लिए खाना आ चुका है, मेरा भांजा का खा रहा है, भांजा। मम्मी भी उठ गई है, मम्मी का हाथ देखो गाइस, फ्रैक्चर बता दिया मैंने पब्लिक को, पब्लिक बोल रही है कि दुआ है, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। ये कहाँ पे लगाओगे सर? ओके यहाँ पे, ये ऊपर वाला पार्ट पे। हाँ। चलो भाई हमने तो खाना खा लिया, एक इसके लिए खाना, मम्मा के लिए नको माँ नको, चल आते भाई, चल गाइस सी दिस माय आउटफिट, सस्पेंडर है, उसके बाद ये है, शूज है, सब कुछ ग्रे ग्रे, सिर्फ एक ही ब्लैक है, बच्चे सावधान, मस्त लग रहे हो सर। पब्लिक जरा बताओ कैसा लग रहा है आउटफिट में, अभी जाते हैं स्टूडियो पे। सो गाइस निकलते हैं अभी, चलो पापा, चलो पापा हाथ तो मिलाओ यार, पापा हाथ ही नहीं मिला रहे, चलो भाई लोग। ये नहीं हुई तो मजा गया ना, इतना आउटफिट अच्छा पहना और परफ्यूम नहीं लगाया, वो भी फॉग का। एक मिनट भाई, शेयर करते, शेयर करो, है ना, जैसे तू बाहर जाएगा लड़के तरीके, चलो भाई मजाक, हर चीज में मजाक मजाक मजाक। तो गाइस जैसे आया वैसे देख सकते हैं मेरा शॉप कितना प्रिटी लग रहा है, फुल फायर लग रहा है, ये ऑलरेडी हो चुका है अभी, मस्त पैकिंग मतलब काम चालू हो गया है अच्छा वाला। तो इनसाइड जाते हैं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, ये किसका गोप्रो है, अपने है क्या? इसका स्टैंड अपने पास था, वो वाले स्टैंड के पीछे लगा हुआ है। ओके नीचे, एकदम नीचे पार्ट रहता है, हाँ ट्राइपॉड के नीचे रहते ना, सेकंड स्टैंड। ओके तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ओके यहाँ पे क्या, गाइस इसके हेयर्स देख सकते हो, पहले मैं कैसा था और कैसा हो गया ऐसा वाला। सो अभी यहाँ पे भी एज अ लॉर्ड शिवा चल रहा है साइड बाय साइड,
इनसाइड एज अ प्रैक्टिस गाइस। आज जैसे स्टूडियो पे आ चुका हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यार हर बार आप टैटू दिखाते हो, अच्छी बात है, हमें टैटू पसंद है, बट कभी ना कभी स्टूडियो के तो टूर दिखाओ, स्टूडियो में क्या है आपके पास, कौन से एलिमेंट्स है, कौन से पेंटिंग्स है, पेंटिंग के राज क्या है, टैटूज के डिजाइन वगैरह आप कैसे कंसल्ट करते हो, वो वाली सी चीजें अंदर, उसके बाद स्टूडियो में ऐसे क्या क्या इंटीरियर्स आपने कैसे मतलब बनाए, तो वो वाली चीजें हम आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और हर एक चीज में क्या क्या मतलब हर एक जगह जगह में क्या क्या है वो भी बता देंगे। जैसे एग्जांपल गाइस मेरे पास एकदम वेस्ट स्टैचू जो है वो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे मीन्स कहाँ पे और मेरे पास एक मोम का एक पुतला है जो म्यूजियम में रखना चाहते हैं पर वो रख नहीं सकते, तो यहाँ पे है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट ठीक है सॉरी मजाक चल रहा है साइड बाई साइड। और सबसे एकदम कचरा वाला वेस्ट सबसे एकदम वेस्ट है वेस्ट तो यहाँ पे एक बार हाई कर भाई गाइड करेंगे आपको और क्या क्या है आपने सही बताइए टैटू क्या है, टैटू कैसे लिखा था और कैसे हमारे पास मतलब स्टार्ट कैसे हुआ? आपने थर्मोकोल लेके आए थे याद है? थर्मोकोल लिए थे, थर्मोकोल कटिंग किए, थर्मोकोल कटिंग करने के बाद एक फेविकॉल था उसमें पानी मिक्स किया, टीसी ऊपर से गिला करके इसको ऊपर चिपका दिए, सूखने के बाद कलर मारे बराबर गाइस देखो टिश्यू का ये देखो टेक्सचर दिख रहा है आपको। और इनसाइड जाते हैं ये जैसे मुस्टाश लोगो, जैसे एंट्री करते हैं तो ये डायरेक्ट लोगो दिखता है और ये मुझे एक अपने सब्सक्राइबर ने दिया था मुझे गिफ्ट, इसलिए मैंने एकदम इंटरेस्ट में लगा। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की पेंटिंग है, मुझे गिफ्ट किया था मेरे वन ऑफ एक क्लाइंट ने, तो वो एकदम स्टार्टिंग में एकदम मस्त लगता है एज अ प्रेजेंटेशन, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम कभी भी मतलब मैं जब भी आता हूँ स्टूडियो पे तो गाइस एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे आती है तो वैसे आती है भगवान को देख के। और उसके बाद और कौन सी तुमको पेंटिंग याद है, पेंटिंग कौन सी कौन सी चीजें याद है जो तुझे लगता है? हाँ ये चल ये तूने बनाया था बर्थडे गिफ्ट के लिए बनाया था गाइस, जैसे मुस्टाश ये हमने बनाया था, बर्थडे गिफ्ट मिला, ये सारे बर्थडे गिफ्ट से मेरे क्लाइंट्स ने, मेरे थोड़े दोस्त लोग ने दिए। और ये वाला स्कल याद है गणेश, बर्थडे गिफ्ट ये भी बर्थडे गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट है, ये देख सकते हो गाइस मूछ है, स्कैप है यहाँ पे अंदर मस्त की एकदम, दिस नॉट रियल गाइस, ये पूरा प्लास्टिक है तो समझो मत किसी के इंसान को मार के हमने लगाया, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज प्लास्टिक। ये आसाम का एक आसाम के सब्सक्राइबर ने मुझे दिया था, ये आपको पता ही है ना, ये हमारे 1 लाख हो गए थे तब मुझे हमें मिला था, हमें ही बोल सकते हमें मिला था। उसके बाद ये मूर्ति की राजगण्या, ये गण्या अच्छे से बता सकता है, ये मूर्ति तुम खरीदने दे रहे हैं आखिर में? हाँ मैं दे नहीं रहता क्योंकि बहुत महंगा था, याद कर 18,000 बोला था। और तूने कितने में लिया? मैंने जाके मैंने मस्क पास जाकर 5 ईयर में लिया, उसको टैटू करूंगा सब कुछ करूंगा, टैटू लेने का तो भूल गया, मैं भी भूल गया। सो गाइस ये बहुत ज्यादा पेटी है, आप देख सकते हो कितनी अच्छा लग रहा है ना, फुल एकदम हेवी, बहुत ज्यादा हेवी है गाइस, ये उठा भी नहीं सकते, एक हाथ से उठा नहीं सकते। उसके बाद ये तो उससे भी ज्यादा हेवी है, तो ये पूरा अच्छा है पर ये बहुत महंगा था। और फिर बाद में गणेश ने पता नहीं, मैं तो भूल ही गया था इसको लेना, तो उसके बाद फिर गणेश ने 2-3 बार राउंड मार के हर बार प्राइस वही पूछ के लास्ट को उस बंदे ने बोला कि इसको ज्यादा ही एडिक्ट है, लगता है इसको चाहिए, तो इसने दे दिया, तो ये उन्होंने गणेश को मिला। तो उसके बाद ये पेंटिंग गाइस मैंने रैंडमली बनाया था, इसका कुछ मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सोचा था क्या किसी को देख के, जस्ट रैंडम मेरे को अच्छा लगा तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसा ब्रश उठाया एंड देन कैनवास मिला, क्योंकि इसके पहले दूसरा पेंटिंग था इसके ऊपर, बट इसको मैंने कवर करके ये पेंटिंग बनाया। बहुत सारे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट तो ये बहुत कम है गाइस, मैं सर्टिफिकेट मुझे नहीं अच्छे लगते अपने स्टूडियो में लगाना, क्योंकि यार देखो आप गूगल पे जाओगे themustache.com डालोगे ना, मेरा वेबसाइट देखोगे ना, तो उसमें बहुत सारे अवार्ड्स है मेरे, आई गेस 25-30 अवार्ड्स है, पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं चीज़ों में, मुझे ऐसा लगता है कि अपना काम लोगों ने देखना चाहिए, अवार्ड तो क्या पैसे से ही मिलते तो भरोसा नहीं हो चीज़ के ऊपर, क्योंकि अपने को कोई दूसरा जज नहीं कर सकता, अपने को अपने माँ बाप और अपने लोग ही जज कर सकते हैं, जो लोग हमें रेगुलर देखते हैं ना गाइस वही लोग हमें जज कर सकते हैं, जो लोग कभी कभी देखते हैं वो लोग क्या जज होते हैं, मेरे लिए यही है और कुछ नहीं। बाकी जिसने मुस्टाश लोगो, इसका राज तो बहुत अलग ही गाइस, ये मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ये एक लंबी स्टोरी है, ये लोगो कैसे बना, ये नाम कैसे रखा,
ये सब कुछ अलग है गाइस, मतलब इसकी अलग ही। हाँ लॉन्ग स्टोरी है, तो इसको एक अलग सा ब्लॉग बनाएंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे टाटू जो जो मेरे फेमस हुए थे, जैसे सलमान खान है, सचिन तेंदुलकर कलर पोर्ट्रेट है, बाला साहेब ठाकरे, फिर उसके बाद संजय दत्त है, नाना पाटेकर, ये सारे टाटूज है गाइस। दिस इज अ वॉलपेपर, फिलहाल तो वॉलपेपर है पर ये मैंने रियल में बनाया है। ये आइस पेंटिंग मैंने दिल्ली में बनाई थी पर ये इनकम्प्लीट है। ये उसके बाद मैंने कॉलेज में बनाया था ये वाला पेंटिंग, उसके बाद ये वाली पेंटिंग में मैंने कॉलेज में बनाई थी, पर ये कॉलेज वाली पेंटिंग जो है ये लाइव है गाइस, मतलब ये पूरा पेंटिंग लाइव है। सामने मॉडल न्यूड बैठी थी तो उसको देख के हमने विजुअलाइज किया। तो हमारी एक असाइनमेंट्स रहती है, जैसे आप लोगों की भी असाइनमेंट रहती है, तो वैसे ही हमारी पेंटिंग की असाइनमेंट थी। उसके बाद ये है वर्ल्ड के टॉप मोस्ट टैटू आर्टिस्ट जैसे पॉल बूथ, जो मेरे सबसे एकदम फेवरेट है और मैं बहुत मानता हूँ। ये मैंने बनाया था लाइव, अच्छा क्रेयॉन पेंटिंग है, ये स्केचिंग है, ये मेरे बैक पेंटिंग है, जो बैक पेंटिंग है सॉरी बैक टैटूज जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, बाहुबली टैटूज ये मैंने बनाया था जब बाहुबली 1 आया था, सॉरी 2 आया था, उस टाइम पे बनाया था, और ये क्लाइमैक्स था, ये आपको सबको पता ही है। तो ये जो टैटू है गाइस, ये हमने उस टाइम पे बनाया था, बहुत सारी न्यूज, प्रभास सर ने भी इसको रिपोस्ट किया था, उनको ये अच्छा लगा था। उसके बाद ये टीवी का राज, गणेश बता टीवी का राज, एक क्लाइंट के साथ 4 जन आते हैं, कभी 5 जन आते हैं, तो या बच्चे लोग भी आते हैं, तो ये टीवी एंटरटेन के लिए हमने वो यूज किया था और कुछ नहीं। बाकी ये पेंटिंग का राज भाई, ये आपको बताऊंगा, ये मैंने 2013 में बनाई थी। लोगों को लगता है 13 नंबर के है पर ये 2013 जैसे शॉर्टकट सिग्नेचर, लकी नंबर नहीं है जैसा। ये मेरा पेंटिंग गाइस, ये 2013 में मैंने बनाया था स्पेशली अच्छा कॉलेज टाइम पे। तो मेरा ये कॉलेज टाइम पे ऐसा वक्त था, आप देख सकते हो, ऐसा बहुत जन आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पेंटिंग है क्या, फोटो है या प्रिंट है, लोगों को यही लगता है, पर ये दिस इज अ रियल पेंटिंग गाइस। तो मैं क्लोजअपली दिखाया था, इसमें एक एक ब्रश, एक एक हेयर सब देख सकते हो, स्पेशली आईज, मूछ देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो ऐसा, ये सारे पर्ल्स हैं, ये रुद्राक्ष की माला है, हालांकि यहाँ पे भी देख सकते हो ऐसा बेल्ट में मैंने कितना श्राइन बनाया था। तो मेरा वर्क गाइस रियल में ऐसा है, मतलब पूरा फाइन वर्क है, और जिसे फाइन आर्ट बोल सकते हैं इसको। तो ये मेरा इतना अच्छा वर्क, मतलब इतना अच्छा नहीं हो सकता, मतलब इतना ठीक ठाक वर्क करता हूँ मैं, तो आप लोग ही जज कर सकते हो। तो ये पेंटिंग मैंने सोचा था कि मैं शिवसेना ऑफिस में लगाऊँ, बट ना पता नहीं यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग यहाँ से कभी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम बहुत अनमोल है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों ने ये सेल करने के लिए बोला था कि ये पेंटिंग हमें दे दो, हम लगाएंगे हमारे ऑफिस में ये लगाएंगे, बट इसकी कोई मोल नहीं है, इसका कोई कीमत नहीं है, और ये मेरे लिए एकदम लेजेंडरी है। तो इनकी जो रखवाली है गाइस, ये पेंटिंग ऑब्वियसली देखो कैसा था, मैंने आप किस एक आर्टिस्ट की पेंटिंग आप ना रिस्पेक्टफुल रखोगे तो आपको लगता है कि भाई हाँ चल केयरिंग है, बट ये मेरे लिए हमारे लिए भगवान है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई केयर, लोग ऐसा केयर करने वाला बहुत कम है, तो मेरे लिए ये मैं बहुत मतलब सेफ्टी के साथ रखता हूँ और अच्छे से रखता हूँ, तो इसकी वजह से ये कभी यहाँ से पेंटिंग कभी बाहर गई नहीं, तो ये प्रॉपर सेफ मोड है। उसके बाद ये ट्री मेरे एक फैन ने दिया, तो ये पहले छोटा था फिर इतना बड़ा हो गया, तो ये बोलते कि लकी है कि आपके स्टूडियो में रहेगा, शॉप में रहेगा, तो है ऐसा कुछ मैंने सुना है कि तो मतलब ये हमेशा हरियाली होनी चाहिए इसमें, इसके पत्ते सूखने नहीं चाहिए, तो ये आपको बहुत ज्यादा पेड़ लगा देने नहीं नहीं कहने, ये लकी है और इसका राज क्या ये बैंड टैटू बनाते सिर्फ। और गाइस ये मूर्ति भगवान की है, यहाँ पे बहुत सारे भगवान से हैं जो गणपति बप्पा हमें मानते हैं। ये भगवत गीता भी हमने कभी पढ़ी नहीं है बट ये मुझे गिफ्ट मिला, तो ये भगवान के लिए, मैंने अभी तक ये पैकिंग ओपन भी नहीं किया, ऐसे कैसे ही है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी ये वाला पेंटिंग गाइस मैंने कॉलेज टाइम बनाया था, दिस इज अ 3D पेंटिंग, ये फ्रेम के बाहर हाथ आता है एंड गुलाब है, तो ये फ्रेम मैंने ओरिजिनल नहीं है, ये फ्रेम मैंने खुद ने पेंट किया है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे बुद्धदास की मूर्ति है। मेरे सेटअप में हमेशा का सिद्धि विनायक की मूर्ति रहती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति रहती है, और हमेशा एक फूल रहता ही है कंपल्सरी। तो ये मेरी शुरुआत है, मतलब ये जब भी मैं आता हूँ तो मेरा ये शुरुआत
सेटअप लगाने का, उसके बाद टैटू करने का, तो यहाँ से चालू हो जाता है। इनका आशीर्वाद है अपने पास, बस यही लगता है मेरे को, और यही है अपने लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे कंसल्टेशन होता है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति मुझे एक सब्सक्राइबर ने दी थी, आपको पता ही है, और मेरे स्टूडेंट ने दिया था, और यहाँ पे दिस इज माय लाइसेंस, और क्या दिखाओ यार, दिस इज कैमरा, सीसीटीवी, ये सारे एलईडी लाइट्स आप देख सकते हो। ओवरऑल ये मेरी पेंटिंग है, ये मेरे ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है, ये टैटूज है, छत्रपति शिवाजी महाराज की पेंटिंग है, मेरे को सब्सक्राइबर ने दिया था, तो ये वाली पेंटिंग है। और उसके बाद क्या, इनसाइड वाइज ये स्टच लोगो, दिस स्टैचू गाइस, ये मुस्टाच का स्टैचू है, मतलब मेरे फेस का स्टैचू है, ये पेंटिंग है, पेंटिंग नहीं बोल सकता, ये क्ले वाला पेंटिंग है, 3D पेंटिंग बोल सकते हैं, तो ये मुझे एक सब्सक्राइबर ने दिया था। और क्या, यहाँ पे ड्राइंग चल रहे हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट लोग प्रैक्टिस कर, दिस इज माई स्टोर रूम, यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं हम लोग, और बस कभी का ऐसे ही आराम होता है, स्टूडियो में क्लाइंट्स नहीं रहते तो फिर यहाँ पे बैठते हैं। और यहाँ पे गाइस, यहाँ पे और यहाँ पे ये सारा गोदाम है गाइस, ऊपर यहाँ पे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर फैंस जो है, छोटे मोटे जो अपने को साथ देते, हमेशा प्यार देते, उन लोगों के पेंटिंग्स है और उन लोगों ने मेरे ड्राइंग्स बनाए, तो ये बहुत सारे यहाँ पे फ्रेम्स है, ऐसे इतना ही भर, इतना ही नहीं है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोला आपको, यहाँ पे मतलब ये आज का नया है क्या, मतलब सुबह वॉचमैन ने दिया था, तो ये गाइज ये और एक नया पेंटिंग आ चुका है। तो गाइज मतलब हर दिन कुछ ना कुछ मिल ही जाता है मेरे को, सर तो ऐसे ही रख देते हैं, पर गाइज ये ऐसे रखा है इसलिए मैं तो मन में, यहाँ पे अपने पास जगह नहीं है, जब मैं अपना नया शॉप ओपन करूंगा ना गाइज, तो उस टाइम पे पूरा प्लानिंग के साथ ये फ्रेम कभी वेस्ट नहीं जाएगी, मैं एक फैन वॉल बनाऊंगा, फैन वॉल है ना, तो फैन वॉल बनाऊंगा ना गाइज, तो वहां पे सारे जितने भी मेरे फैंस ने गिफ्ट वगैरह दिए, पेंटिंग्स दी ना, मैं सारे लगा दूंगा। ये देखो ये भी पेंटिंग है, कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे फैंस लोगों ने मुझे बहुत कुछ दे रहे हैं और मेरे लिए वही यार, और क्या चाहिए। ओके सो गाइस, किसका सॉन्ग है, सॉन्ग किसका बज रहा है भाई, जरा कॉपीराइट आ जाएगा, समझ जाओ क्या है इसका। हां चलो गाइस ये पहले ओपन करते हैं, उसके बाद। तो ये मुझे मिला है विशेष पटेल ने दिया है, राजपूत, और इसका नंबर भी है, नंबर शेयर नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी, डिजाइनर विशेष, तो ये मिला है, तो एक बार ओपन करके देखता हूँ। ऐसे बहुत सारे मिलते रहते हैं गाइस, तो अभी क्या जगह मिली लगाने के लिए, पर जिस दिन मिलेगी जगह उस दिन आप लोगों की पेंटिंग्स सब मेरे पूरे क्लाइंट्स देखेंगे, पूरे पब्लिक देखेंगे। ड्राइंग गाइस, तो ये ड्राइंग है, वाव वाव कितना मस्त बनाया, देखो ये देखो इतना प्यारा बनाया ना, बस उसकी जो टी शर्ट है गाइस बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच डिजाइनर विशेष अरे भाई, अच्छा लगा, और जरा कोई मिल चुका है मेरे को, थोड़ा भी मैं भाई, तो अभी बात करते हैं अपने स्टूडियो की। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि एक बड़ा स्टूडियो, तो बड़े स्टूडियो में अपने बहुत सारे पेंटिंग्स आएंगे, मेरे फैंस के, मेरे खुद के गिफ्ट्स आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे जिससे थोड़ा सा क्लाइंट को भी एकदम अच्छा लगे, ब्राइट लगे और पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे मेरे स्टूडियो में कोई आएगा तो इनको ना एनर्जी एकदम पॉजिटिव लगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, तो प्लान चल रहा है साइड बाय साइड स्टूडियो का, बट अभी क्या सही मिल नहीं रहा है इसकी वजह से रुक रहे हैं, और मिल भी रहा है तो बहुत महंगा हो रहा है, तो इसकी वजह से अपने बजट में भी तो बैठना चाहिए ना, तो वो वाला भी है, तो वैसा वाला सीन है। और लोकेशन भी मैटर करता है गाइस, लोकेशन मैटर नहीं हो मतलब मिलेगा नहीं तो मतलब क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पेंटिंग आप हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर नीचे मतलब ऊपर क्यों लगाते हैं, मतलब ये आप कहीं और जगह लगाओ। देखो सबकी सोच अलग होती है, आप उसको पेंटिंग के नजर से देखोगे ना गाइस तो दिस इज अ पेंटिंग, बट आप कोई अलग नजर से देखोगे तो ये आपकी सोच है, ये मेरी गलती नहीं है, बट एज एक आर्टिस्ट मैं यही अपनी वजह से देखूंगा ना, तो मीनिंग में आपको क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये निगेटिव पेंटिंग है, निगेटिव पेंटिंग है, दिस इज पॉजिटिव पेंटिंग गाइस, ये पेंटिंग का मीनिंग बताता हूँ। देखो कोई भी लड़की एक टाइम के बाद ना, दिस इज अ पेंटिंग है ए टाइम एंड ब्यूटी, टाइम एंड ब्यूटी ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस, दिस इज लेडी, ये भले यहाँ पे न्यूड है बट रियल लाइफ में कैसा होता है, मतलब हर एक लड़की की लाइफ होती है अपने मैच्योर लेवल पे होती है, तो हमेशा वो मतलब लोग उसको इज्जत देते हैं, बट जब वो बूढ़ी हो जाती है तो लोगों की सोच चेंज हो जाती है, जैसे उसकी एज खत्म हो जाती है, तो यही है। तो जैसे एप्पल हमेशा एक फ्रेश का सिंबल है, और एप्पल इसलिए कट किया है कि उसका जो टुकड़ा है गाइस, तो ये हमेशा उसके कनेक्टेड रहता है, पर ये जब ये सड़ जाता है, एप्पल सड़ जाते हैं तो वो लोग कोई खाते नहीं है, तो उसकी एक वही है टाइम एंड ब्यूटी का एक मीनिंग है, तो इसके लिए मुझे एक अवार्ड मिला था मेरे कॉलेज में ये कॉन्सेप्ट के लिए, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, दिस इज एप्पल एंड देन ये जो आप देख सकते हो सिर्फ फेस लेडीज का दिख रहा है हाइट,
मतलब लेडीज का फेस दिख रहा है, बाकी सारा जो उसकी बॉडी है वो सब डिफ्यूज है। इसका रीजन यही है कि समझ जाओ वही है, जब फ्रेश फ्रेश होती है तो इज्जत मिलती है, फ्रेश नहीं होता तो इज्जत मिलती नहीं है। अब अभी वो कौन से एंगल से ले रहा है मुझे नहीं पता, पर मैं एक पॉजिटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव एंगल से ले रहा हूँ, और ये इसलिए तो मुझे अवार्ड मिले मेरे हेडमास्टर से प्रिंसिपल से। तो ऐसा मत समझो कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं एकदम गलत जगह लगाया, ये एकदम बहुत पुण्य की जगह है। और ऑब्वियसली यार और एक रीज़न ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे क्यों लगा रहे, क्योंकि बहुत सारी वीक में मेरे पास छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत सारे पेंटिंग्स बहुत सारे टैटूज आते हैं, और टैटूज आते हैं तो ऑब्वियसली यार जब जब मेरा सेटअप यहाँ पे और सामने यहाँ पे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज है तो गलती कभी होगी नहीं। और क्या, कोई भी टैटू मतलब कुछ भी ऐसा कुछ गलत होगा ही नहीं, और ऊपर से स्टूडियो में निगेटिविटी नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिविटी वाइब आएंगे। और मेरे पास पूरा महाराष्ट्र क्राउड आता है, मेरे पास हिंदू क्राउड आता है, मतलब पूरा आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी क्राउड आता है। तो यार सबके लिए एक समान है हम लोग, और सबकी उतनी इज्जत करते जितनी हम लोग हमारे फैमिली की इज्जत करते, वैसे हमारे लिए फैमिली मेंबर ही है सब जन, और कुछ नहीं। बस आज का वीडियो यहाँ तक ठीक है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये मेरा पूरा स्टूडियो का टूर है। यहाँ तक वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरा स्टूडियो का टूर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और प्लीज सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो, और मेरी मम्मी के लिए दुआ करना, आपको पता ही है आई लव यू बोलना था इसलिए बोल दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय शिवराज।